अभी तक हमने घटना चक्र की जो जीएस पॉइंटर है बायोलॉजी की, उसका हमने 4 वीडियो किए हैं, और विटामिन्स और न्यूट्रिशन के पहले वाला पोर्शन हमने कर लिया है। मतलब 26 पेज तक हमने कवर कर लिया है इस बुकलेट का। आज हम 27 पेज पे विटामिन और न्यूट्रिशन की शुरुआत करेंगे, और उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों में ये पूरा जो है बायोलॉजी फिनिश कर दिया जाएगा। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई थी बुरी तरीके से, तो आज मैंने रिपेयर करवाया, इसलिए थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो गया, लेकिन अब हम रेगुलर रहेंगे और इसको कवर कर लेंगे। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विटामिन और न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बनता है कि विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी। तो घटना चक्र में जो आंसर है, जो एग्जाम में जो ऑप्शन आया था, उसके हिसाब से कैसिमीर फंक, ठीक है, कैसिमीर फंक ने विटामिन की डिस्कवरी की थी। लेकिन कई बार क्या होता है, कई चीज़ों पर डिबेट होता है कि किसने डिस्कवरी की थी। तो बुक में तो ये दिया हुआ है कैसिमीर फंक, लेकिन जब नोबेल प्राइज मिला था तो वो मिला था सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस को, ठीक है। सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस को नोबेल प्राइज इसलिए मिला था विटामिन की डिस्कवरी के लिए, क्योंकि जब मतलब इनकी जो डिस्कवरी थी वो प्रॉपर थी, सधे तरीके से थी, और कैसिमीर फंक ने शुरुआत की थी। तो एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, अगर दोनों ऑप्शन साथ में आ गए तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा या बिहार होगा, तो ऑप्शन जो है वो ई होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है, विटामिन की डिस्कवरी के लिए कैसिमीर फंक का नोबेल प्राइज मिला था फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस को, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सारे ही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसकी डेफिनेशन बेसिक है। विटामिन जो हैं उनको क्या बोलते हैं, विटामिन को हम लोग एक्सेसरी फूड फैक्टर बोलते हैं। बाद में ही उसका नाम जो है रिन्यू करके, रीनेम करके विटामिन कर दिया गया। एक्सेसरी फूड फैक्टर क्यों बोलते हैं विटामिन को, क्योंकि ये डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते। प्रोटीन से बॉडी बिल्ड होती है, फैट और जो है कार्बोहाइड्रेट वो एनर्जी देते हैं, लेकिन विटामिन से ऐसा कुछ भी नहीं होता। विटामिन जो है जनरली हेल्थ को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, तो ये एक्सेसरी है। एक्सेसरी मतलब क्या होता है, सहायक होता है, सहायक आहार कारक, एक्सेसरी फूड फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये नाम जो था इन्हीं दोनों में से किसी ने दिया होगा, फ्रेडरिक गॉलैंड या कैसिमीर फंक में से किसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल दे देता हूँ कि प्लांट में जो है दो तरह के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और एक होते हैं थोड़े जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, या ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस मिनरल्स होते हैं, ट्रेस मतलब छोटा अमाउंट, तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो प्लांट में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, CHO होते हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बिना कुछ हो नहीं सकता दुनिया में, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। और NP को आपको पता होगा कि ये फार्मूला जो है, NP के फार्मूला, ये फर्टिलाइजर्स में, प्लांट फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, तो ह्यूज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, यूरिया वगैरह, फॉस्फेट वगैरह। तो NPK, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम याद रख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं होता। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स में वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, NPK, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, COH, और जो हैं कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रेस मिनरल्स हैं, वो ये हैं, ठीक है। आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मॉलिबेनम, निकेल, याद रहेगा, आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मॉलिबेनम, निकेल। तो ये मैंने आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट भी बता दिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बता दिए। अब क्वेश्चन क्या है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में प्लांट्स में कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होता। तो सोडियम आंसर क्यों है, क्योंकि देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम रिक्वायर्ड है, कैल्शियम रिक्वायर्ड है, मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है, लेकिन सोडियम न यहाँ है न सोडियम यहाँ है, तो सोडियम इसका आंसर हो जाएगा नॉट रिक्वायर्ड। देन दे आर आस्किंग बोरोन, जिंक, सोडियम और कॉपर में से पौधों के लिए जो है एक रिक्वायर्ड एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है। तो अगेन उसका भी आंसर सोडियम होगा, बहुत इजी ऑप्शन दे दिया गया सोडियम। तो आप बोरोन, जिंक और कॉपर देख लीजिए, बोरोन है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक है माइक्रो न्यूट्रिएंट और कॉपर भी है माइक्रो न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है 27 एलिमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, जिसमें कि 15 जो है वो मेटल्स हैं, और इसमें से प्लेंटीफुल अमाउंट में जो रिक्वायर्ड होती है उसमें क्या क्या है। तो कौन कौन से मेटल्स प्लेंटीफुल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम। देखिए हार्ट वगैरह की जो पंपिंग होती है तो वहाँ पोटेशियम रिक्वायर्ड होता है, सोडियम आप डेली नमक में खाते हो आप समझ सकते हो कितना जरूरी होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी रिक्वायर्ड होता है, कैल्शियम तो आपकी हड्डी में है, मैग्नीशियम वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे मेटल्स है ना, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो ये सब आपके जो 27 एलिमेंट्स बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसमें 15 जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं,
और प्लेंटीफुल अमाउंट में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आपको चाहिए ही चाहिए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप जो पर यूनिट कैलोरी अगर आप मेज़र करें तो फूड का कौन सा कंपोनेंट है जिसमें पर यूनिट कैलोरी जो है सबसे ज़्यादा होती है, तो आप कार्बोहाइड्रेट आंसर नहीं करेंगे, इसका आंसर फैट होगा। फैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है लेकिन डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता, फैट कन्वर्ट होकर कार्बोहाइड्रेट में यूटिलाइज होता है। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो फैट्स में होती है, इसीलिए आपको मना किया जाता है कि ज़्यादा फैटी चीज़ें मत खाओ, नहीं तो आपको मोटापा हो जाएगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एप्पल जो है वो जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि एप्पल में पोटेशियम होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हार्ट की पंपिंग के लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आपको एप्पल से पोटेशियम मिल रहा है तो एक हार्ट पेशेंट को आप हॉस्पिटल में विजिट करोगे तो क्या दोगे? सेब दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो फूड में आप जनरली जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स लेते हैं उसका उपयोग क्यों है, क्यों लेते हैं? तो ये इसलिए है कि इन फूड्स में, फूड मतलब फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे जैसे आपकी बॉडी ज़्यादा मतलब एज होती है, एजिंग होती है, तो आपकी बॉडी जो है फ्री रेडिकल्स बनाने लगती है। ये फ्री रेडिकल्स आपकी एजिंग करवाते हैं। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपकी एजिंग जो है रुकेगी, आप हमेशा जवान रहोगे, इत्मीनान रहोगे। तो आपको क्या लेना चाहिए? फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स लेने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स आएं और फ्री रेडिकल्स कंट्रोल हों, राइट? अब ये फ्री रेडिकल्स बनते कहाँ हैं? जो आपकी पूरी बॉडी की डाइजेशन है, जो मेटाबॉलिज्म है, उन सब के जो सारे रिएक्शंस होते हैं ना, तो उससे जो ये रेडिकल्स निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स कहे जाते हैं। तो वो एक ना काइंड ऑफ साइड इफेक्ट है। आपकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, बॉडी बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो फ्री रेडिकल्स बहुत रिलीज होते हैं। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को इनर्ट कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कुछ आपको मैं विटामिन का नाम बोलूंगा और फिर उनसे रिलेटेड डिजीजेस का नाम बोलूंगा कि अगर उनकी कमी हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, फाइन? लेकिन मैं साथ में उनका केमिकल नाम और उनका विटामिन का नाम भी बोलूंगा। देखिए, विटामिन B3, B2 जो भी आता है ना, वो आपको इजी करने के लिए नाम दिया गया है, लेकिन उसके पीछे हमेशा विटामिन एक केमिकल होता है। कौन सा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, राइट? तो सबसे पहले कैल्सीफेरॉल को देखते हैं। कैल्सीफेरॉल को हम लोग विटामिन D2 बोलेंगे, फाइन? कैल्सीफेरॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? विटामिन D2 बोलेंगे। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको पता होगा कि विटामिन D की कमी से आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को धूप में बैठना चाहिए तेल लगा के, बड़ों को भी बैठना चाहिए, अदरवाइज आपकी बोन की जो है ना मतलब हॉलो हो जाएगा, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी और आप कहीं भी गिरोगे आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। तो सनलाइट आप लिया करो सुबह या फिर शाम, दोपहर में मत लो क्योंकि उसमें फिर आपको कैंसर का खतरा होता है यूवी रेज के कारण। तो अच्छा, जो बनता भी जो है विटामिन D2 ना, वो भी यूवी रेज के ही प्रेजेंस में बनता है, लेकिन आपको मतलब लाइट यूवी रेज लेनी है, याद रखना। आप यूवी रेज की प्रेजेंस में ही बनता है, नॉर्मल रेज में नहीं बनता। तो ओके, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D2 है, उसकी कमी से आपको बोन सिकनेस हो सकती है। नियाशिन जो है उसको विटामिन B3 बोलते हैं, इसकी कमी से आपको एक स्किन का डिजीज हो सकता है, उसको पेलाग्रा बोलते हैं। कोबेलामाइन जो है, कोबेलामाइन या सियानोकोबेलामाइन जो है वो विटामिन B12 को बोलते हैं, इसकी कमी से आपको जो एनीमिया होगा वो पार्टिकुलरली, उस एनीमिया का नाम है परनीसियस एनीमिया। क्या है? परनीसियस एनीमिया। सियानोकोबेलामाइन, कोबेलामाइन, उसकी कमी से क्या होगा? परनीसियस एनीमिया, ठीक है? थायामीन जो है उसको विटामिन B1 बोलते हैं। थायामीन देखो, बी इधर आपने नियासिन देखा B3 है, कोबलामाइन देखा B12 है, और थायामीन देखा क्या है? वो क्या है? B1 है। इसकी कमी से इजी है याद रखना, B1 की कमी से B4B बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी में क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो अफेक्ट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ेगा उस पर निगेटिव। तो विटामिन जो B1 है थायामीन बोलते हैं, उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगेन विटामिन D की कमी से आपने पहले पढ़ा था क्या? बोन सिकनेस होती है। इसके अलावा विटामिन B की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है? ऑस्टियो मतलब बोन होता है, पोरोसिस मतलब पोर मतलब जानते हो ना, छेद होना। तो बोन की डेंसिटी कम होगी तो पोरोसिस हो जाएगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा रिकेट्स, रिकेट्स को सूखा रोग बोलते हैं हिंदी में। तो विटामिन D की कमी से आपको रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके बॉडी में विटामिन K की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? विटामिन K से आप एलिमेंट पोटेशियम मत कंफ्यूज हो जाना, वो हार्ट की रेट के लिए रिक्वायर्ड है। विटामिन K की कमी होगी जब, तो विटामिन K क्या करता है कि आपकी जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो विटामिन K कहीं ना कहीं उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आप विटामिन K नहीं लोगे बाहर से तो आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है ना उसमें प्रॉब्लम आएगी, और एक छोटा सा भी कट होगा तो ब्लड जो है वो ज़्यादा लॉस होगा बॉडी से, ठीक
ठीक है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग में इश्यूज आएंगे, राइट। चलिए अब जो राइट साइड में देखते हैं कि यहाँ कुछ दिया हुआ है कि इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा क्या किस में होता है। तो जनरली आप ये याद रखोगे, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, और अपनी जो ये लेमन हो गई, इनमें क्या होता है कि विटामिन सी बहुत होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ जो ऑप्शंस हैं, चिली, पम्पकिन, पी, रेडिश, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ होता है? तो एग्जाम में टफ क्वेश्चंस था, चिली में जो है, मिर्च में जो है विटामिन सी जो है, इन सब के अलावा पम्पकिन, पी और रेडिश के अलावा ज़्यादा होता है चिली में, ठीक है। और जो साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन होता है और जो आपकी स्किन की जो है हेल्थ बनाने में मदद करता है, वो विटामिन सी है। तो आपको अगर चमकती हुई त्वचा चाहिए तो आप साइट्रस फ्रूट्स खाओ, लेमन खाओ, है ना, ऑरेंजेस खाओ, तो आपकी जो है स्किन में कांति बनी रहेगी। तो जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल है ना, उनमें विटामिन सी होता है, खट्टापन विटामिन सी के कारण, सी वाले फ्रूट्स में। विटामिन सी का जो मेन सोर्स है, तो आप याद रख लो कि जो कच्चा है ना, अनराइप और फ्रेश फ्रूट अगर आप खाओगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंचन किस चीज़ का वेरायटी है? तो कंचन एक वेरायटी है, हाईली डेवलप्ड, अच्छा वेरायटी है आंवला का। तो विटामिन सी के लिए आप कंचन खा लो, है ना, कंचन एक टाइप का आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एप्पल, मैंगो, आंवला और मिल्क में विटामिन सबसे ज़्यादा सी कहाँ पे होगा? तो ऑब्वियस आंसर आंवला ही होगा, सिट्रस फ्रूट है। सेब वगैरह में तो पोटेशियम की बात हो रही थी हार्ट डिजीज से बचने के लिए। फिर आप कैरेट, गुआवा, मैंगो और ऑरेंज में सबसे ज़्यादा कहाँ विटामिन सी होगा? तो ऑब्वियसली ऑरेंज में होगा। विटामिन सी का जो है केमिकल नेम, जैसे इधर पढ़ रहते हैं ना, थायमिन, नियासिन वगैरह, कोबेलामिन तरह, तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टा होता है ना, तो याद भी रहेगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है ना। इसके अलावा पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज और बीटरूट में विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? गेस करो, अगेन ऑरेंज में होगा। जो किसी की बॉडी में वोंड हो जाए तो उसको भरने के लिए कौन सा विटामिन यूज़ होता है? विटामिन सी जो है उस हीलिंग प्रोसेस को फास्टन कर देता है। तो अगर वुंड हो जाए, घाव हो जाए, तो भरने में जो सहायक विटामिन है वो विटामिन सी है। विटामिन सी इसके अलावा आयरन की अब्जॉर्प्शन जो होती है बॉडी में, उसमें भी हेल्प करता है। याद रखो, विटामिन सी आयरन की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में कौन सा है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है? और आंसर सी दिया हुआ है। तो आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि विटामिन बी और सी दोनों जो है वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो यहाँ तो दोनों ही ऑप्शन में, फैट में सॉल्यूबल तो विटामिन ए है, विटामिन ई है, इजिली आप उसको एलिमिनेट कर दोगे कि फैट में जो स्टोर हो रहा है वो तो बॉडी में स्टोर होगा। लेकिन विटामिन बी और सी तो दोनों है वाटर में सॉल्यूबल। लेकिन एक बात है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, और उसमें पार्टिकुलरली विटामिन B9 और B12 ऐसे विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स के जो कि लीवर में एक्चुअली स्टोर होते हैं। बाकी विटामिन ए, ई और डी की तरह विटामिन बी का, विटामिन B12 और विटामिन B9 लीवर में स्टोर होता है। तो इसलिए जब दोनों साथ में ऑप्शन है कि बॉडी में कौन सा स्टोर नहीं होता, तो आप विटामिन सी लिखोगे, ठीक है। अच्छा, वो विटामिन जिससे क्या ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है, अगर आपकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे होगी, ब्लड ज्यादा बहेगा, तो विटामिन के है आंसर। और यहां भी तो था, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग में इश्यूज आते हैं, तो वही तो है, फिर से रिपीट हो गया है ना, कि वह विटामिन जिसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं वो विटामिन के है। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? विटामिन के होता है। और हार्ट पंप और हार्ट बीट के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? विटामिन के होता है, डिस्कस हो चुका है। एप्पल खाना है, हार्ट को बचाना है। और जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? जो इंटेस्टाइन में आपके जो बैक्टीरिया हैं, ईकोलाई वगैरह जो आप लेते हो और प्रोबायोटिक खाते हो, तो उससे आपका जो इंटेस्टाइन है, जो बैक्टीरिया है, उसमें विटामिन के और विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है। नहीं बोलना है, विटामिन B12 जो सयानोकोबालामाइन है और विटामिन के जो है, इन दोनों का सिंथेसिस इंटेस्टिनल बैक्टीरिया करते हैं। विटामिन डी का सोर्स क्या है? सनलाइट है। एग्जैक्टली ये सोर्स नहीं है, इसकी प्रेजेंस में बॉडी में सिंथेसिस होती है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सनलाइट लिखोगे, है ना, विटामिन डी। और सूर्य की किरणों से क्या प्राप्त होता है? अगेन द सेम क्वेश्चन, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? आपको रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड विटामिन डी, व्हाट यू फाइंड इन विटामिन डी, द केमिकल यू फाइंड इन विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल। जहां भी कैल्सीफेरॉल आएगा वो एर्गो के साथ है, कुछ और के साथ है, कुछ और के साथ है, तो आप विटामिन डी समझोगे। विटामिन डी में क्या होता है? कैल्सीफेरॉल या एर्गो कैल्सीफेरॉल, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। कोले कैल्सीफेरॉल क्या है, उसका जनरल नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल, फिर बोला था ना मैंने आपको कैल्सीफेरॉल, तो कोले कैल्सीफेरॉल भी या तो विटामिन डी ही होगा। अच्छा, यहाँ पे दब गया, बट विटामिन डी है। कोले कैल्सीफेरॉल, यहाँ मैंने बता रहा हूँ आपको कि कोले कैल्सीफेरॉल इज ए टाइप ऑफ विटामिन डी।
विटामिन डी मोस्टली मेड इन योर स्किन बाय द एक्सपोजर टू द सनलाइट, बट ऑल्सो गेट सम फ्रॉम डाइट से भी आता है थोड़ा बहुत। कोले कैल्सिफेरॉल जो है वो ऑयली फिश है ना, जैसे कि ऑयली फिश कौन कौन से, सार्डिन यहाँ पे नहीं दिख रहा, हेरिंग, सालमन, ट्यूना और एग से मिलता है। तो आप ये याद रख लो कि विटामिन डी जनरली तो सिंथेसिस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी बॉडी में, लेकिन कुछ विटामिन डी ऐसे हैं जो आपको बाहर से लेना पड़ता है। तो उसमें से एक कोले कैल्सिफेरॉल है, वो आपको ऑयली फिशेज से मिलेगा, जैसे सार्डिन है, हेरिंग है, सालमन है, ट्यूना है और एग से भी मिलेगा। एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी को हम निक्टॉल्पिया भी बोलते हैं, निक्ट मतलब रात होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस को निक्टॉल्पिया भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन है उन्होंने दिया ही नहीं है, तो ये प्रोबेबली विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। और ह्यूमन की बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, लीवर में स्टोर होगा, फैट स्टोरिंग, फैट में जो भी विटामिन स्टोर हो रहे हैं वो जनरली लीवर में स्टोर होते हैं, और इसकी कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टॉल्पिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो कैबेज होता है, कैरेट होता है, और जो कॉलीफ्लावर होता है, और जो स्पिनैक होता है, इनमें विटामिन ए की जो है अमाउंट सबसे ज्यादा कहाँ आती है, तो सबको पता है कि बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए बनता है, तो कैरेट में आपको मिल जाएगा, कैरेट कैरोटीन याद भी रहता है हर किसी को, तो कैरेट से आपको विटामिन ए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्पल, पपाया, ग्वावा और मैंगो में विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जब ऐसा ऑप्शन आ जाएगा तो फिर आप मैंगो याद रखोगे, तो ऐसे तो आप कैरेट याद रखो, लेकिन सेकेंडरी ऑप्शन ये है कि मैंगो में भी विटामिन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप पाम ऑयल लेते हो, कोकोनट ऑयल लेते हो, वीट के स्प्राउट का ऑयल लेते हो और मस्टर्ड ऑयल लेते हो, तो इनमें सबसे ज्यादा विटामिन ई आपको कहाँ मिलेगा, तो वीट के जो स्प्राउट ऑयल होते हैं, वीट का जो स्प्राउट ऑयल होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विटामिन ए प्रोटीन एंजाइम हार्मोन में कौन सा ऐसा है जिसका बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, तो विटामिन ए है, ये आपको बाहर फूड से लेना है, बाकी जो प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है, वो तो बॉडी में सिंथेसाइज होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अशर्शन रीजन का है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बंद कर दे तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, नो वाई, ऐसा है क्या, केरला के लोग तो फिश बहुत खाते हैं। देखिए बैलेंस डाइट इज अ डिफरेंट थिंग, और ये बोलना है कि आप ये ना खाओ तो आप तो मर ही जाओगे, आपको तो बीमारी हो जाएगी, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो विटामिन ए जो है आप नहीं लोगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट रॉन्ग है। और नेक्स्ट ये है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, हाँ कमी तो सही हो जाएगी, ठीक है, बाहर के सोर्सेज से नहीं लोगे तो कमी हो जाएगी, तो असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया सियानोकोबालमाइन, सियानोकोबालमाइन में जो कोबला है वो कोबाल्ट के केमिकल नेम से बना है, तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो B12 है। सियानोकोबालमाइन क्या है, विटामिन B12 है। थायमिन क्या है, विटामिन B1 है, डिस्कस हो चुका है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, विटामिन बी और सी होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन था। विटामिन ABCDABDE में से वाटर में कौन सा सॉल्युबल है, तो यहाँ पे विटामिन बी बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे विटामिन सी नहीं दिया हुआ है, तो ओनली विटामिन बी आंसर होगा, जो कि वाटर में सॉल्युबल है। एंड देन दे आर आस्किंग कि देर आर सम विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट, देर आर सम विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, सो व्हाट आर द विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट आर विटामिन बी एंड सी, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। देन देर इज अ क्वेश्चन, पर्सन हैज बेरी बेरी, रिकेट्स एंड स्कर्वी, देन व्हाट आर द विटामिन्स ही इज नॉट टेकिंग, तो यू नो दैट बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की एब्सेंस में होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की एब्सेंस में होता है, और स्कर्वी की जो बीमारी है वो विटामिन सी के एब्सेंस में होता है, तो रेस्पेक्टिवली बेरी बेरी, विटामिन B1, रिकेट्स, डी एंड स्कर्वी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप रात में सपने देखते हैं और आपको मन है कि आपके काफी देर तक के सपने याद रहें, तो कौन सा विटामिन लेना चाहिए, विटामिन B6 लेना चाहिए, तो आप ना आज से ये विटामिन B6 लेना शुरू कर दो अगर आप अपने सपने भूल जाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रतौंधी मतलब रात की औंधी, रात में अंधा होना मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होती है, ऑलरेडी बताया हुआ है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, और रिकेट्स अगेन रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है। यहाँ देखिए सूखा जो है वही रिकेट्स है ना, तो दे हैवन सेपरेटेड दिस, बट रिकेट्स इज इक्वल टू सूखा एंड बोथ आर कॉज्ड बाय विटामिन डी। फॉलिक एसिड जो होती है, फॉलिक एसिड विटामिन B9 को बोलते हैं, अगर आप ये नहीं लोगे तो आपको एनीमिया हो जाएगा, रक्ताल्पता है ना, रक्त की कमी, खून की कमी हो जाएगी बॉडी में अगर आप फॉलिक एसिड नहीं लोगे, तो इसीलिए जो एनेमिक वीमेन होती हैं उनको जनरली खास करके चाइल्ड बर्थ वगैरह के पहले फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। फॉलिक एसिड इज विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा हो जाएगा, उसके फीचर्स मैंने आपको पहले बता दिए थे, हार्ट वाला, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाला, विटामिन B3 की कमी से क्या होगा, पेलाग्रा होगा। देन दे आर आस्किंग कि रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल क्या होता है, रेटिनॉल विटामिन A1 को बोलते हैं, विटामिन
A1 को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। अगर आप ये नहीं लोगे तो आपको ज़ेरोप्थैल्मिया हो जाएगा। ज़ेरो का मतलब आपको पता होगा सूखा होना होता है। ऑप्थैल्मिया इज रिलेटेड टू आइज, ऑप्थैल्मोलॉजी आइज की स्टडी को बोलते हैं। तो ज़ेरोप्थैल्मिया मतलब होता है कि आंखों का सूख कर लाल हो जाना, आंखों में ना आंसू आएंगे ना आंखों में दर्द होगा, आंखें हो जाएंगी लाल और हो जाएंगी सूखी सूखी। तो विटामिन A1 मतलब रेटिनॉल की कमी से आपको ज़ेरोप्थैल्मिया हो सकता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं, उसकी कमी से इम्पोटेंसी हो जाती है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो तो कृपया विटामिन ए लें, ई लें सॉरी। और विटामिन ई के सोर्सेज मैंने आपको ऊपर पहले डिस्कस कर दिए हैं, तो आप पहले रिवाइज कर लेना एग्जाम के लिए और खुद के लिए भी। और विटामिन ए ले लेना, ई ले लेना, क्योंकि इम्पोटेंसी हो सकती है कमी में, किसी को भी हो सकती है। सयानोकोबालामाइन से अगर आपको कम हो जाए, सयानोकोबालामाइन दैट मीन्स विटामिन B12, तो आपको क्या हो जाएगी, पर्निशियस एनीमिया हो जाएगी। घातक रक्ताल्पा बोल रहे हैं हिंदी में। पर्निशियस एनीमिया जो है सयानोकोबालामाइन की कमी से हो जाएगी। एक विटामिन होता है B6, विटामिन B6 को हम लोग पाइरिडॉक्सिन बोलते हैं। अगर ये विटामिन आप नहीं लोगे तो आपको मेंटल इलनेस होगी। और लेना है तो मैं बताऊं कि आपको मीट, पोल्ट्री, नट्स, नट्स डोंट गो नट्स, नट्स ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स समझ रहे हो ना, पॉलिश नहीं खानी है राइस, आपको पूरा का पूरा खाना है। बनानाज और एवोकाडोज, एवोकाडोज महंगा आता है तो आप मत खाओ, है ना। मीट, पोल्ट्री, नट्स, होल ग्रेन्स, बनानाज खाओ, एवोकाडो छोड़ दो, लेकिन पाइरिडॉक्सिन ले लो B6, क्योंकि इसकी कमी से मेंटल इलनेस हो सकती है। विटामिन ई की कमी से बंध्यापन मतलब इम्पोटेंसी पहले डिस्कस हो चुका। इसमें से है कि आपको मैच करना है चेयलिन एंड एमाइलेज क्या पचाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो लार होती है, जो सलाइवा होती है, उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है और टियालिन होता है। ये दो हैं, टियालिन जो है एक 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 टियालिन जो है क्या है कि एक अमाइलेज है। अमाइलेज का काम ही होता है कि शुगर को पचाना, मतलब सैकराइड को पचाना। और ये पार्टिकुलर टियालिन जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये आपकी सलाइवा में होता है। तो सलाइवरी अमाइलेज भी होता है, टियालिन भी होता है। टियालिन जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन सबको पता होता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसलिए आपको मीट जल्दी जल्दी पचाना होता है ना। अगर नहीं, मीट को जल्दी कुक करना होता है ना, तो आप पपाया डालते हो क्योंकि उसमें से पेप्सिन होती है। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, टियालिन जो है एक अमाइलेज है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। रेनिन जो है मिल्क में क्या होता है, मिल्क में एंजियोटेंसिनोजन होता है, उसको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट, सॉरी 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 रेनिन जो है सॉरी 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 रेनिन जो है ये क्या करता है, ये अपने ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन होता है उसको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, ये रेनिन का काम है। और जो ऑक्सीड ये हार्मोन है, ठीक है, आप रेनिन वो नहीं समझो मतलब प्रोटीन पचाने वाला। तो ये जो रेनिन है वो क्या करता है, हार्मोन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है ब्लड के लिए। और ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन बड़ा ही अच्छा हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन को ना हम लोग हिंदी में वात्सल्य का हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, माँ बेटे के लव का हार्मोन है। तो मिल्क का, अगर किसी को माँ को मिल्क ज्यादा पैदा करना हो तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, स्मूथ मसल्स जो होते हैं ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, तो कुछ चीज़ें रिलीज होती है। तो ऑक्सीटोसिन बर्थ, चाइल्ड बर्थ में, मिल्क के रिलीज में ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं, वात्सल्य का हार्मोन भी बोलते हैं। तो अगर किसी, इनफैक्ट पोल्ट्री वगैरह को भी ज़्यादा मिल्क करवाना है गाय भैंस को, तो उसको भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। दैट्स वेरी बैड एक्चुअली फॉर द हेल्थ एंड फॉर द पीपल हु आर कंज्यूमिंग दैट फूड, द मिल्क दे आर एट रिस्क। सो इट्स नॉट समथिंग डिजायर्ड एंड समथिंग एडवाइज्ड, बट इट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, लव हार्मोन वगैरह बोला मैंने आपको। विटामिन जो है, कैरोटीन क्या है, कैरोटीन विटामिन है, आपको पता होगा बीटा कैरोटीन विटामिन ए, कैरोटीन विटामिन है। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एंजाइम है। टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन मेल में होता है, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में होता है। टेस्टोस्टेरॉन हमारे टेस्टिकल से रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीमेल के ओवरी से रिलीज होता है, उसमें कॉर्पस ल्यूटियम होता है, वहां से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो ये दोनों जो है मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं। प्रोटीन, फिर केराटीन क्या है, आप कैरोटीन और केराटीन से कंफ्यूज मत हो। केराटीन आपके हेयर में होता है, आपकी नेल्स में होता है और गाय भैंस की हूफ में होता है, दैट इज अ डेड प्रोटीन, डेड टिश्यू में होता है केराटीन प्रोटीन। तो ये एक प्रोटीन है केराटीन। आप जो एक बनाना है, बनाना माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फूड समथिंग है, फूड फूड है। तो बनाना का आप 100 ग्राम लोगे तो उसमें कितनी एनर्जी होती है, ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए इनको। 106 किलो कैलोरी की एनर्जी होती है बनाना के 100 ग्राम में। सबसे ज्यादा प्रोटीन की अमाउंट वहां पे ऑप्शन दिया होगा ऑब्वियसली, तो सबसे ज्यादा उन ऑप्शंस में जो प्रोटीन की मैक्सिमम अमाउंट थी वो सोयाबीन में थी। सोयाबीन में काफी प्रोटीन होता है, लेकिन आप याद रखो जो आप जो खाते हो सोयाबीन वो अदर थिंग है ना। सोयाबीन के ऑयल के अट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन में जो मतलब रेसिडुअल चीजें होती हैं, आप वो खाते हो जनरली सोयाबीन। यूएस वगैरह के लोग पूरा का पूरा सोयाबीन का ग्रेन खाते हैं, अगर खाते हैं तो दैट्स वेरी न्यूट्रिशियस एक्चुअली।
तो प्रोटीन की जो मैक्सिमम अमाउंट है वो सोयाबीन में पाई जाती है। इसके अलावा सोयाबीन के दाने में लिखा हुआ है, देखिए दाने में लिखा हुआ है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, द सोयाबीन चंक्स यू आर ईटिंग आर नॉट वेरी हेल्दी, नॉट वेरी गुड, दे आर रेसिडुअल सब्सटेंसेज जस्ट गेटिंग एक्सपोर्टेड टू इंडिया एट चीप रेट एंड वी आर कंज्यूमिंग इन फन। तो सोयाबीन के दाने में, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत होता है। राइस में, पीनट्स में और एप्पल में प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में है? तो ये देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन्स के लिए माने जाते हैं ना, लेकिन अगर आप पार्टिकुलरली पीनट की बात करें तो उसमें जो है प्रोटीन ज्यादा होगा, बाकी राइस में एप्पल में उतना प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन एंड फैट सबसे ज्यादा दोनों ही किस में ज्यादा होता है? तो पीनट्स में होता है, प्रोटीन भी होता है पीनट्स में और फैट्स भी होते हैं पीनट्स में, तभी तो ऑयल निकलता है ना। हेयर जिस प्रोटीन से बने होते हैं पहले बता दिया, कैरेटीन से बने होते हैं। आपके जो नेल्स हैं उसमें क्या है पहले बता दिया है, कैरेटीन होते हैं। हेयर और नेल दोनों डेड होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होती है उसमें कैरेटीन होती है, ठीक है, KERATIN, कैरेटीन। ओके नेक्स्ट, प्रोटीन की जो है, प्रोटीन की पचुड़ता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो एसिड टायरोसिन के बनस्पति, प्रोटीन जो है, प्रोटीन वाले जो बहुत ज्यादा प्रोटीन वाले जो फूड हैं उनमें एमिनो एसिड एक टायरोसिन होता है। तो टायरोसिन के बारे में पूछ रहा है कि ये एमिनो एसिड जो टायरोसिन है, जो प्रोटीन की मतलब प्रोटीन वाले जो फूड होता है उसमें एमिनो एसिड टायरोसिन होता है, तो उसमें बोलने की क्या राइट नहीं है उसके बारे में। तो ये राइट नहीं है कि यह बुढ़ापे के लिए जो फ्री रेडिकल्स हैं उसके विरुद्ध रक्षा करता है। टायरोसिन आपके एजिंग में जो फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं उसको रोकने में कोई मदद ऐसा कुछ नहीं करता, बिकॉज इट इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। जो वीट होती है उसे जो हम रोटी बनाते हैं, तो कौन सी चीज होती है वीट में ऐसी जिससे कि रोटी बनाने में आराम होता है? तो ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक्चुअली चिपचिपा होता है, तो आप कभी, आपको बबलगम नहीं मिल रहा, आपको खाने का मन हो तो आप सूखा गेहूं लीजिए और उसको चबाना शुरू करिए, थोड़ी देर में वो बबलगम च्युइंगम जैसे फीलिंग देगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटेन होती है। एक इंसान है बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसको डेली कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? 4000 किलो कैलोरी की होती है। तो यहाँ से आपको बोला था ना 116 किलो कैलोरी मिल रहा है बनाना से 100 ग्राम में, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके उतने सारे बनाना खा लो और मजदूरी कर लो। 4000 याद रखो आप, किलो कैलोरी है ना, कैलोरी मत बोल देना लग जाएगी। आप जब वाटर पीते हैं एक ग्लास, तो उससे आपको कितनी एनर्जी मिलती है? वही, और वाटर में कोई फैट होता है क्या? नहीं ना। कोई कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? नहीं ना। तो उससे आपको 0 कैलोरी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फूड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वहां पे ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आया था। आप अगर लॉन्ग टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो आपका कौन सा फूड यूटिलाइज होता है? कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होता है। आप फैट मत लिख देना वहां पे, फैट स्टोर्ड होते हैं, धीरे धीरे रिलीज होते हैं, लॉन्ग टाइम में रिलीज होते हैं जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट ही यूटिलाइज होता है, ग्लूकोज वगैरह। हमारे शरीर में एसिडिक और बेसिक जो है दो सिचुएशन है, दोनों के बीच में बैलेंस जो है वो कैसे बना रहता है? तो वो फास्फोरस बना के रखता है, ठीक है। तो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी में, क्योंकि फास्फोरस जो है आपका जो पीएच है वो मेंटेन करता है एसिडिक बेसिडिक बेसिक के बीच में, तो फास्फोरस के रिक्वायरमेंट से ये एसिड बेस के बीच में बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, फैट और टोकोफेरॉल में ऐसा कौन सा है जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता है? तो एमिनो एसिड जो है हमारी बॉडी में स्टोर होके नहीं रहते। ग्लाइकोजन तो देखिए आपके लीवर में स्टोर होता है, उसी से ग्लूकोज रिलीज होता है इंसुलिन की मदद से, इंसुलिन और ग्लूकागन की मदद से ये बैलेंस बना रहता है। एमिनो एसिड स्टोर नहीं होता। फैट तो स्टोर होता है यार, हर जगह आपकी गाल में स्टोर होता है, आपकी बॉडी में जहां तहां फैट स्टोर हो जाता है खा तो। टोकोफेरॉल आपको पता ही होगा सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है ये विटामिन डी, तो ये भी स्टोर होता है आपके लीवर में, लेकिन एमिनो एसिड कहीं स्टोर नहीं होता है ना। जामुन, करौंदा, करौंदा एक अचार लगाने की चीज होती है, आपकी बाड़ी के पास, घर के आसपास कहीं उग जाती है जमीन पे। तो जामुन, करौंदा, लोकाट और ग्वाबा में से आयरन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये करौंदा जो होता है ना मेरे घर के आसपास भी उगता है, इसका हम लोग अचार लगा लेते हैं या फ्राई करके सब्जी बना लेते हैं, गोल गोल से सब्जी बनती है इसकी, गोल गोल सा फ्रूट सा होता है, जमीन पे एक क्रीपर होता है उसमें ये उगता है। तो करौंदा में आयरन काफी होता है, ठीक है। कैल्शियम, आयरन और सोडियम जो है या मसल कंट्रैक्शन में इनमें कौन कौन से यूज होते हैं? तो याद रखिएगा कैल्शियम, सोडियम और आयरन तीनों ही मसल कंट्रैक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इनकी जरूरत होती है कैल्शियम की, सोडियम की साथ याद रख लो, और इसके अलावा आयरन की भी जरूरत होती है। सोडियम प्लांट में जरूरी नहीं है लेकिन ह्यूमन में जरूरी है, सोडियम के बिना, नमक के बिना आप नहीं रह सकते। कैल्शियम, सोडियम और आयरन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। स्पिनेक के जो लीव्स होते हैं उसमें आयरन काफी होते हैं, लाल साग वगैरह की तरह होता है ऑलमोस्ट, तो स्पिनेक जो है उसमें आयरन काफी होता है पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैरेट, पी, राइस और स्पिनेक में सबसे ज्यादा आयरन का कौन सा बढ़िया ये सोर्स है? तो आपने ऑलरेडी सुन लिया, स्पिनेक है।
आयरन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो जो ऑप्शंस होंगे उस हिसाब से ग्रीन वेजिटेबल्स में, बाकी आपको दे देगा कुछ राइस दे देगा, व्हीट दे देगा, तो उसके हिसाब से ग्रीन वेजिटेबल्स में जो है आयरन काफ़ी होता है, उसमें भी स्पेनैक वगैरह सुन रहे हो आप। अब बासमती का जो चावल का दाना होता है, ग्रेन होता है, जब आप उसको कुक करते हो, बॉयल करते हो, तो लंबा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें एमाइलेज होती है, तो एमाइलेज जो है बासमती के दाने में जो प्रेजेंट होता है स्टार्च, उसको क्या करती है, डाइजेस्ट कर देती है और वो फैल जाता है, इसलिए बासमती के जो राइस के ग्रेन्स होते हैं ना वो कुक करने के बाद लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। मिल्क में जो है स्वीटनेस नेचुरली भी होती है थोड़ी, आपको रियलाइज होगा ये बात, तो ये क्यों होती है, क्योंकि मिल्क में जो है लैक्टोज होता है, उसके कारण ये स्वीटनेस होती है। लैक्टोज भी एक शुगर है, चीनी नहीं बट शुगर है, शुगर इज केमिकल थिंग। ओके, तो मिल्क में जो सैकराइड होती है वो कौन सी होती है, ऊपर पढ़ लिया, लैक्टोज होती है, लैक्टोज इज अ सैकराइड इज अ शुगर, तो मिल्क में लैक्टोज सैकराइड होता है। अच्छा, जो मिल्क है वो स्पॉइल कैसे होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है मिल्क को पहले कर्डलिंग करते हैं फिर खराब कर देते हैं, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण मिल्क जो है खराब हो जाता है। और मिल्क को जो दही में कर्ड में जो चेंज होता है वो कैसे होता है, फर्मेंटेशन बाय लैक्टोबैसिलस, वही लैक्टोबैसिलस बाद में उसको स्पॉइल भी कर देते हैं, लेकिन मिल्क का जो फर्मेंटेशन हो जाता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा, तो उसके बाद हमें मिल्क जो है दही में मिल जाती है, कर्ड में मिल जाती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो वो क्या करते हैं, शुगर को ना लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गाय का जो, काऊ का जो मिल्क होता है उसमें हल्की सी येलोनेस होती है, क्यों होती है, कि उसमें कैरोटीन होता है, सरप्राइजिंग, क्योंकि क्यों होता है ये, कि गाय बहुत ज़्यादा जो है घास पात खाती है, और घास पात में आपको पता होगा कि विटामिन ए या कैरोटीन होता है, तो उस चीज़ के कारण जो काऊ मिल्क होता है ना वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन की प्रेजेंस होती है, कैरोटीन इज ए पिगमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, मतलब व्हाइट येलो क्यों होता है, तो देखिए व्हाइट जो होता है वो कैसिन प्रोटीन के कारण होता है, और येलो जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, इसलिए ये व्हाइट येलो दोनों का मिक्स कलर होता है। व्हाइट क्यों होगा, कैसिन प्रोटीन के कारण, और कैरोटीन के कारण क्या होगा, येलो होगा। कैसिन एक प्रोटीन है, कैरोटीन एक पिगमेंट है या विटामिन ए भी है। जो भैंस का दूध होता है, बफेलो का जो मिल्क होता है, उसमें फैट कितना होता है, 7.2% होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मिल्क डाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है एंजाइम रेनिन और लैक्टेज, वो ह्यूमन बॉडी में किस एज में बनना बंद हो जाता है, तो 6 से लेके 15 साल की एज के बीच में, मतलब किशोरावस्था के बाद, आपकी बॉडी में मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला रेनिन और लैक्टोज, लैक्टेज सॉरी, है ना, रेनिन और लैक्टेज दोनों जो है बॉडी में बनना बंद हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई यू बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट। मिल्क का जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन है, वो ब्लड वाला रेनिन अलग था, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन वाला वो हार्मोन था, ये रेनिन जो है मिल्क को, मिल्क में जो प्रोटीन होता है कैसिनोजन, और उसको कैसीन में कन्वर्ट कर देता है, इस तरह से मिल्क का कैसिनोजन कैसीन में कन्वर्ट होके मिल्क जो है उसका प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके लिए जो एंजाइम होता है बॉडी में वो रेनिन होता है, ये रेनिन जो है आपकी बॉडी में 6 से 15 साल की एज में बनना बंद हो जाता है। इसके अलावा एक और जो लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम होता है वो भी हमारी बॉडी में इसी एज में बनना बंद हो जाता है। कैसिन जो होता है वो क्या होता है, कैसिन ऑब्वियसली प्रोटीन होती है जो मिल्क में होती है, एंड मिल्क का जो कलर है वो व्हाइट क्यों होता है, व्हाइट को धवल भी बोलते हैं, मिल्क का कलर व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैसिन होती है, मिल्क का कलर येलो क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन होती है, ठीक है। रेनिन क्या करता है, रेनिन कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्लूटिनिन कैसिन मायोसिन हेमोग्लोबिन में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो मिल्क में पाया जाता है, तो आपको ऑलरेडी पता है कैसिन मिल्क में पाया जाता है। टिश्यू जो है बॉडी में उसका निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन से होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि प्रोटीन खाया करो, बॉडी बिल्डिंग करनी है लोग प्रोटीन का डाइट अलग से लेते हैं, तो टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो किसी बॉडी में किसी का अगर ग्रोथ कम हो रहा है, धीमी वृद्धि हो रही है, तो प्रोटीन की कमी के कारण हो रही है, आपके मसल्स नहीं बनेंगे, मसल्स लूज हो जाएंगे आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजिकल कौन सा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है जिससे जो एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मिलती है, तो एटीपी से एडीपी बनता है, तो एटीपी में एनर्जी स्टोर्ड होती है, और एडीपी जब बनता है तो फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिससे बॉडी में एनर्जी पैदा होती है बहुत ज़्यादा, उसको एटीपी टू एडीपी बोलेंगे, और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो एडीपी टू एटीपी होती है, ठीक है। एटीपी से एडीपी बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और आपको गर्माहट फील होगी। जो ब्रीदिंग होती है, रेस्पायरेशन होती है, सॉरी, रेस्पायरेशन में जो है एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के रूप में, रेस्पायरेशन से एटीपी बनता है, वही एटीपी बाद में एडीपी में टूटता है और उस बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है।
विटामिन B12 में क्या होता है आपको पहले बता दिया, साइनोकोबलामाइन तो कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है आयरन होता है, डिस्कस हो चुका था पहले। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो ऐसे है उसके सेंटर में जो एलिमेंट है वो मैग्नीशियम होता है। ब्रास जो होती है वो कॉपर और जिंक का बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। खाने का जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड होता है, आपको पता होगा। और वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और फूड वाले में जो सोडा होता है बेकिंग सोडा वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का बना होता है। अब हम मैच करेंगे, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, अभी तक नहीं आता तो सुन लीजिए, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है, और बोलते हैं विटामिन B2। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को बोलते हैं, और कोबालामाइन तो विटामिन B12 को बोलते हैं। तो पायरिडॉक्सिन तो पहले डिस्कस हो चुका था B6, अब राइबोफ्लेविन याद रख लो विटामिन B2 को बोलते हैं। अब यहाँ पे है कि आयरन जिंक सल्फर मैंगनीज में माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सल्फर है, ठीक है। आयरन जिंक मैंगनीज और सल्फर में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो सल्फर है। और पपाया जो है उसमें मेनली क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है, इवन दो इट्स नॉट ए साइट्रस फ्रूट बट पपाया में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंगो पपाया कैरेट और मिल्क में विटामिन ए का जो है नेचुरल सोर्स क्या नहीं है, तो मिल्क में विटामिन ए जो है वो नेचुरल सोर्स नहीं है, या गाय भैंस की मिल्क की बात नहीं हो रही। तो जो देखो फ्रेश वेजिटेबल में फूड में तो कहीं ना कहीं होगा ही, तो ये सारे तो फ्रूट्स हैं ना, गाजर में तो सबको पता है यार, पपाया में भी होता है, विटामिन सी होता है मेनली पपाया में, लेकिन इसके अलावा विटामिन ए भी होता है, और मैंगो में भी होता है विटामिन ए, लेकिन मिल्क में विटामिन ए ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं होता, नेचुरल सोर्स नहीं है वो। अच्छा, अल्फा कैरोटीन, कैरोटीन अगेन आ गया, सॉरी अल्फा कैरेटीन, वो कैरोटीन नहीं है सॉरी, अल्फा केराटिन जो है एक प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी में होता है। ओह, अल्फा केराटिन क्या है, एक प्रोटीन है जो आपके स्किन में होता है ना। केराटिन याद रख लो, आप स्किन में होगा, नेल्स में होगा, हूफ में होगा, हेयर में होगा, डेड सेल्स में। ऐसा एलिमेंट जो सारे प्रोटीन में होता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन CHON, ये सारे के सारे प्रोटीन में रहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन को क्या खराब नहीं करता, इंफ्रारेड नहीं खराब करता, इसीलिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करके प्रोटीन का जो है स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो इंफ्रारेड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, खराब नहीं होता। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूज करके हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं, प्रोटीन जो है डिनेचुरेट नहीं होता इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो कोई तरुण और वृद्ध व्यक्तियां हैं, तो व्यक्ति हैं तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता कहाँ होती है, तो वृद्धों में उच्चतर बोला है कि ओल्ड एज में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और जो ग्रोइंग पीपल हैं उनमें कम होती है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इट, आई थिंक मसल फॉर्मेशन के लिए बच्चों में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आई डोंट नो। सामान्य क्रियाशील महिला एक नॉर्मल जो फीमेल है उसके लिए प्रोटीन की जो पर डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 45 ग्राम की है। तो अगर आप महिला हैं तो आपको डेली कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। जो मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग महिला है, जो वेमेन है, उसको डेली प्रोटीन कितनी रिक्वायरमेंट है, 70 ग्राम प्रोटीन की। तो नॉर्मल महिला के लिए 45 ग्राम और ब्रेस्ट फीडिंग वेमेन के लिए 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एक चीज दी हुई है कि अगर आप किसी बच्चे को बॉटल का दूध पिला रहे हैं तो, और किसी बच्चे को माँ का दूध पिला रहे हैं, तो बॉटल का जो बच्चा दूध पी रहा है उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। 1, 2, 3 प्रॉब्लम्स आएंगी। बॉटल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाला बच्चा, नहीं उल्टा पूछा है कि जो बच्चा अपनी मदर का मिल्क पे फीड कर रहा है उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ होंगी, बशर्ते कि कोई बच्चा अगर बॉटल से दूध पिए तो क्या क्या अच्छाइयाँ होंगी। 1, 2, 3, वह कम मोटा होता है, ठीक है, मतलब ओबेसिटी नहीं आती है, और उसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है डिजीज से फाइट करने की, और उसको विटामिन और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसकी लंबाई में अननेचुरल ग्रोथ होता है, इतना कुछ भी नहीं होता, लंबाई बहुत कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है यार। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बच्चे को मतलब ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो वो 6 फीट का हो जाएगा, और जिसको बाहर का मिल्क दे रहे हो 2 फीट का हो जाएगा, नो, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट था। स्टार्च क्या होता है, पहले भी डिस्कस कर लिया, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में, और बताया बताना है कि कौन सा जो है कॉमन नहीं है, क्या नहीं करते वो। तो क्या है, पहला ये है कि बोटैनिकल दोनों का जो है सोर्स है, सही बात है, स्टार्च और सेलुलोज दोनों प्लांट सेल से आते हैं, दोनों पॉलीमर हैं, आपको पता ही होगा पॉलीसेक्राइड्स हैं दोनों। फिर है कि आयोडीन के साथ दोनों रंग देते हैं, नहीं, आयोडीन के साथ ये कोई कलर नहीं देते स्टार्च और सेलुलोज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है।
और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि दोनों जो हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो स्टार्च और जो सेलुलोज है दोनों पॉलीमर्स हैं, पॉलीसेक्राइड हैं, और जो उनका मोनोसेक्राइड है जिससे वो बने हुए हैं वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक चीज़ आप ये जान लो कि विटामिन डी इज ए हार्मोन। विटामिन डी जो होता है वो खाली विटामिन नहीं होता, वो हार्मोन भी होता है, और विटामिन डी को किडनीज भी प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो विटामिन डी एज ए हार्मोन जो है वो ब्लड में हमारे कैल्शियम के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। आप समझ गए इस बात को, विटामिन डी खाली विटामिन नहीं है, वो हार्मोन भी है, किडनीज भी बनाती है विटामिन डी को, सनलाइट वाला तो आप जानते ही हो। और ये करता क्या है, एज ए हार्मोन ये ब्लड में कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन, स्टार्च और फाइबर जो होते हैं उसमें आपका जो सलाइवा है किसको डाइजेस्ट करता है। तो स्टार्च को आपके सलाइवा में जो टियालिन होता है, आपने पहले भी पढ़ लिया, टियालिन जो होता है सलाइवा में वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को नहीं करता, फाइबर को नहीं करता, फाइबर तो ऐसे भी डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन माना जाता है, तो पहले डिस्कस कर लिया, विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी मानते हैं जब वो किडनी से रिलीज करता है और कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेटिनॉल, रेटिनॉल आपको पता है ना, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन बी समथिंग, रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, और कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, इनमें से कौन सा विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है, तो मैंने आपको पहले बोल दिया कैल्सीफेरॉल जहां भी आएगा तो विटामिन डी से रिलेटेड होगा। तो विटामिन डी से रिलेटेड कौन सा है, कैल्सीफेरॉल है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, दूध में, मिल्क में विटामिन B1, B2, B3, नियासिन B3 है ना, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 पाए जाते हैं। ये सारे जो विटामिन है ये मिल्क में पाए जाते हैं। अभी यूपीपीसी में क्वेश्चन आया था कि कौन सा एलिमेंट विटामिन मिल्क में नहीं पाया जाता, तो आयरन था वहां पे आंसर, और भी ऑप्शंस थे लेकिन मिल्क में ना आयरन जीरो होता है, ठीक है। तो विटामिन B1, B2, तो मदर मिल्क भी दे रहे हो बच्चों को तो आयरन उसको जीरो मिलता है। तो विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 जो है ये सारे मिल्क में पाए जाते हैं, याद रख लो आप, B1, B2, B3 याद रहेगा, फिर B6, B12 उसका मल्टीपल है। अति पोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, और जो असंतुलित भोजन मतलब नॉट बैलेंस्ड डाइट, इनमें से किससे मेल न्यूट्रिशन किससे होता है, तो आपको जब मेल न्यूट्रिशन अल्प पोषण है ना, कम जब खाना मिलेगा और इम्बैलेंस डाइट मिलेगा, तो उससे दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल मतलब गलत है, यहाँ पे गलत न्यूट्रिशन, आपको कम भी मिल रहा है और इम्बैलेंस्ड भी मिल रहा है। अब ये बताना है आपको कि इंसान का जो कुछ कुछ स्टेटमेंट दी हुई है बताना है कि राइट कौन सा है, तो 1, 2 और 4 राइट है। तो 1 क्या है, इंसान का जो फूड है उसमें फैटी एसिड्स का एक भाग होना चाहिए। हाँ भाई फैटी एसिड्स होना चाहिए, सही बात है, एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड जो भी है होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट यह है कि सामान्य आपके जो फूड में 75 ग्राम फैट होना चाहिए, जान लीजिए आज से कि 75 ग्राम फैट होना चाहिए। और जो फोर्थ स्टेटमेंट ये है कि जो आवश्यक फैटी एसिड्स हैं उनकी कमी होगी तो आपको रोग हो जाएगा, डिजीज हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट तो सेम ही है, बॉडी को रिक्वायरमेंट है, नहीं दोगे फैटी एसिड तो रोग तो हो ही जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, ये बोल रहा है कि ह्यूमन की बॉडी सेल्स जो होती हैं वो किसी भी टाइप के फैटी एसिड का सिंथेसिस खुद नहीं कर सकती, ये गलत है, कुछ फैटी एसिड का सिंथेसिस वो खुद कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो अलसी होता है, अलसी एक अनाज होता है, तो फ्लैक्सिड्स होते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलसी को फ्लैक्सिड्स बोलते हैं। तो फ्लैक्सिड्स में क्या होता है, तो फ्लैक्सिड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, ठीक है, फ्लैक्सिड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ये आपकी हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। इसके अलावा आपको अखरोट में और बादाम में भी मिल जाएगा, और कुछ मछलियां हैं उनमें भी मिलेगा, तो मछली खाया करो आप, अखरोट बादाम खाया करो, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। इसके अलावा फ्लैक्सिड्स में काफी होता है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है एक 18 कार्बन का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, इसका सबसे बढ़िया सोर्स क्या, अलसी फ्लैक्सिड्स है। तो यही फ्लैक्सिड्स में कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होता है, तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड बहुत होता है, ये 18 कार्बन का एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। मिल्क में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त क्या होता है न्यूट्रिशन, कैल्शियम और पोटेशियम होता है, ठीक है। प्रोटीन तो मिलेगा आपको मिल्क से, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, इसके अलावा कैल्शियम और पोटेशियम भी मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा मिल्क में, पोटेशियम कैल्शियम तो मिलेगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन दिया हुआ है, तो असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। विटामिन जो है बलवर्धक तत्व हैं जिनसे अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, सही बात है। विटामिन जो है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार के बॉडी को हेल्थ में मेंटेन करते हैं, नहीं, विटामिन जो है बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शन को मेंटेन करके, होम्योस्टेटिस को मेंटेन करके आपकी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, न कि बैक्टीरिया को मार के, वो तो WBC वगैरह का काम है। अच्छा नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक चीज ये पढ़ा दूं कि बॉडी में
नाइन एसेंशियल टोटल टोटल देखो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, हमको बाहर से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। तो ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं वो हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए याद रख लो कौन कौन से होते हैं, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि ह्यूमन की बॉडी में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन कंपल्सरली होना चाहिए इंक्लूडेड, सॉरी ह्यूमन के फूड में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन होना चाहिए कंपल्सरली। लेकिन आप यहाँ पे देखो इसमें कहीं आपको ग्लाइसिन, टायरोसिन और सेरीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ये सब था। ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन तो रिक्वायरमेंट नहीं होता, एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है ये लोग, ये नाइन में नहीं आते। तो ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन तीनों नहीं चाहिए बाहर से, तो असर्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आपको ऑलरेडी बोल दिया 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें बाहर से चाहिए, और पता है ये जनरली प्लांट्स में नहीं होते लेकिन एनिमल का जो प्रोटीन होता है उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए डिबेट चलता है कि मतलब टोटली वेजिटेरियन हो सकते हो आप क्या। एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ों में होता है प्लांट्स में भी, जैसे सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन में ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपने रट लिए, उसमें ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन नहीं होता, तो ये आपको बॉडी से बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में खुद बन जाएगा। लेकिन जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, ये बात सही है। अच्छा, सभी जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सोयाबीन में हैं और जो प्लांट के जो प्लांट से जो आप प्रोटीन लेते हो उसमें होते हैं, सही बात है, सोयाबीन में हैं प्लांट के, सॉरी सोयाबीन और एनिमल प्रोटीन्स, आई एम रियली सॉरी, सोयाबीन जो है एक ऐसा प्लांट प्रोटीन देता है जिसमें कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जनरली प्लांट प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते। इसके अलावा एनिमल के जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड होता है सारा, तो आपको एनिमल प्रोटीन भी लेना चाहिए। हमारी जो बॉडी होती है उसके जो नीचे जो फैट होता है स्किन के नीचे वो आपकी बॉडी से हीट लूज करने में मतलब रोकता है ना, क्यों? क्योंकि इसीलिए अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत कम है तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। एनिमल्स में भी ये फेनोमेनन होता है, फैट जो होता है ना वो बॉडी से हीट रिलीज करने से रोकता है और आपकी गर्मी बनी रहती है। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स में से कौन सा पचेगा तो आपको डाइजेशन होने पर सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो फैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, डिस्कस हो चुका है, सीधा यूटिलाइज नहीं करते लेकिन फैट्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो प्रोटीन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑलमोस्ट 80% बनाते हैं, तो आप वाटर से मत कंफ्यूज होना, प्रोटीन इज डिफरेंट, प्रोटीन के अंदर भी वाटर होता है, मॉलिकल्स होते हैं। तो 80% जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है मतलब सूखी बॉडी का, उसका 80% जो है प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट ये असर्शन रीजन है जिसमें कि असर्शन सही है बट रीजन रॉन्ग है, कि अनसेचुरेटेड फैट जो है वो सैचुरेटेड फैट की कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये बात सही है। अनसेचुरेटेड फैट जो है वो सैचुरेटेड फैट के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनका बॉन्ड करने का जो है प्लेस खुला रहता है, बना रहता है, क्योंकि डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं तो वो बॉन्ड नया बना सकते हैं ना। और दूसरा ये है रीजन, ये इसका दिया हुआ है कि जो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं उनमें एक ही बॉन्ड होता है, नहीं अनसेचुरेटेड में एक ही बॉन्ड नहीं होता, मल्टीपल बॉन्ड होता है, तभी तो वो रिएक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। तो रीजन रॉन्ग है, असर्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अन्य जो बाकी जो एनिमल्स हैं उनका जो मीट होता है उसके कंपेयर में आपका जो फिश का जो मीट होता है वो ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि फिश के मीट में आपको पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं, तो ये बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट ये है कि तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये तीनों सही हैं। तो इसमें से ये है कि एक कंपनी है जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है और बोलती है कि उसमें ट्रांस फैट नहीं है उसके फूड प्रोडक्ट में, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। क्यों ऐसा बोल रही है, तो इसके तीन रीजन यहाँ पे दिए हुए, तीनों सही हैं कि इसका अगर ट्रांस फैट नहीं है तो ये जो अंदर इन्होंने फैट डाला है, जो इन्होंने फूड प्रोडक्ट बनाया उनमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजनेटेड ऑयल में ट्रांस फैट होता है, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कि कंपनी के जो ये फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अगर वो ट्रांस फैट नहीं है तो एनिमल के फैट से या एनिमल ऑयल से नहीं बनाए गए हैं, ये भी बात सही है। और अगर आप ऐसा फूड खाओगे जिसमें ट्रांस फैट नहीं है तो आपका जो
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके साथ ही यहाँ पे विटामिन्स खत्म हो जाते हैं और न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा फिर से देख लीजिएगा मन होगा तो। बाकी आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ही फायदा होगा। और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई एरर रह गया तो प्लीज़ बोल दीजिए, वो नीचे कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। और आप यूपीएससी टिप्स का, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का वो नाम डाल दे रहा हूँ, आप यूपीएससी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी अपडेट्स आती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा भी डालने की कोशिश करते हैं जो हम यहाँ नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। नोट्स, टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट में हम लोग हार्मोन वगैरह पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा ऑलरेडी लंबा हो गया। थैंक यू एनी वे। कीप लिसनिंग। टाटा, बाय बाय।